उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी लगातार पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इस बार के इलेक्शन कैंपेन में उनकी बेटी नुसरत अंसारी भी एक्टिव दिख रही हैं। नुसरत महिलाओं के ग्रुप को साथ लेकर क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं। इस बीच वो शिव मंदिर भी गई थी। गाजीपुर में चुनावी सरगर्मी के बीच अफजाल की बेटी की एंट्री से वैसे ही सियासी पारा बढ़ गया है। ऐसे में उनका सनातनी अवतार और भी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर जब अफजाल अंसारी से पूछा गया तो उन्होंने कुछ अलग ही अंदाज में जवाब दिया। हमारा चलिए, मैं एक आध हजार जगह दिखा दे, मंदिर और मठ। हम इमाम साहब हैं, हम समाज सेवा करते हैं और जनप्रतिनिधि जनता की अदालत में है, जनता हमें जनप्रतिनिधि चुनती है। आपकी आस्था हमारी आस्था, हम अगर अपने धर्म को पवित्र मानते हैं, अच्छा मानते हैं, तो हमें दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। जो दूसरे धर्म से घृणा करता है वो कभी अपने धर्म से भी प्यार नहीं कर सकता, मेरा ये मानना है। शोएब के भी ललाट पे चंदन देखा गया, शिव भक्तों की तरह हमारा देखिएगा। तो मतलब ये हमारे सिस्टम में है, आप कट्टरपंथी हो सकते हैं, हम कट्टरपंथी नहीं है। जो समाज में समाज सेवा के क्षेत्र में है उसका कैरेक्टर चने जैसा होना चाहिए। चने को भिंगा भी लिया जा सकता है, चने को पीस के भी खाया जा सकता है, चने की दाल भी बनाई जा सकती है, चने को भून के भी खाए, वो हर तरह से जो जो जिसके काम आ सके, जिस रूप में आ सके। अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी नुसरत के बारे में भी काफी विस्तार में बताया है। गाजीपुर सांसद ने बेटी के सामाजिक कार्यों के बारे में भी जानकारी दी है। नुसरत अंसारी मेरी बड़ी बेटी है, उसने स्कूलिंग की शिक्षा लामार्ट्स गर्ल्स कॉलेज लखनऊ से की है और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेडी श्रीराम कॉलेज, ग्रेजुएशन उसका लेडी श्रीराम कॉलेज से है। उसके बाद उसने एमए किया है, उसका सब्जेक्ट है रूरल डेवलपमेंट और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस तुलजापुर, ये तीन ही केंद्र हैं इनके, एक हैदराबाद में, एक बॉम्बे में और एक तुलजापुर में। तो तुलजापुर वाले कॉलेज से इसने एमए किया और गोल्ड मेडलिस्ट है, अपने कॉलेज में टॉप करी है। बाद में दास्ताने गोई के एक सफल पुरानी जो कहानियां हैं उसको मतलब बिना गाए उस कहानियों को याद करके उसका मंचन करना, तो ये दिल्ली में करती रही है। तमाम दिल्ली के टॉप जितने हॉल होंगे हर जगह किया इसने। एक जगह का तो ज़रूर दिखाया गया कि ये शाहीन बाग में की है, लेकिन दिल्ली में जो सारे टॉप हॉल्स में इनके शो हुए हैं और बड़े सफल शो हुए हैं। 25 बेटियां जो सेलेक्ट हुई इंडिया में, 30 वर्ष से कम उम्र की 25 बेटियां जो आपके ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अवार्ड रखा था, तो उसमें 25 में एक मेरी बेटी भी सिलेक्ट हुई थी, ये नुसरत अंसारी, जो ये जहां इस वक्त वार चल रही है, यूक्रेन वार, इस वार के शुरू होने से 15 दिन पहले ये लोग गए थे बुखारा, समरकंद, एक दुनिया के 8-9 देशों में उन प्रोग्रामों को करके ये लोग आए, काफ़ी वो है। तो ये आईएएस की तैयारी कर रही थी, एक परीक्षा भी दिया, लेकिन जिज्ञासा बढ़ी इसको और देखा होगा उसने कि
हमें भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो वो मदद करने के लिए आ गई है। वहीं गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने ये भी साफ कर दिया है कि उनकी बेटी नुसरत भी गाजीपुर लोकसभा सीट से नामांकन करेंगी। अफजाल ने बताया कि उनकी बेटी डमी कैंडिडेट के तौर पर यहां से नॉमिनेशन करेंगी। टाइम्स नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।